राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 12, एस मालूम करना है। एंगल ये वाला है, ये वाली चीज क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? बेस। और ये हाइपोटेन्यूस। जी कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है किसके? पी की जगह क्या लिखूं? 8 का स्क्वायर। बेस की जगह पे क्या लिखूं? 12 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लो, 108। कितना हो गया? स्क्वायर को यहां ले आओ, स्क्वायर यहां जाके क्या बन जाएगा? अच्छा भाई, 208 आ गया। अब बताओ 208 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? वो कौन सा लफ्ज है जिसको मल्टीप्लाई करने से 200 आएगा? 12 144। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 169। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 196। करीब करीब आ गया। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225। ये तो 225, इससे क्या हो गया? ज्यादा। तो जवाब होगा 14.4 कुछ। क्या है बताओ जरा? 14.5। तो एस बराबर आ गया 14.5। ये भी उतारिएगा जरा जल्दी से। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? पाइथागोरस थ्योरम। फिसागोरस ने जो बात पेश की, क्या बात पेश की उसने? किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर को अगर जमा कर लिया जाए तो जवाब हमेशा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आता है। बोलो सारे, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को अगर जमा कर लिया जाए तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आता है। हम पढ़ गए थे पैरामीटर्स। क्या पढ़ गए थे? और हमने कहा था इसका पैरामीटर मालूम करना है। इसका पैरामीटर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बेस प्लस हाइपोटेन्यूस। तो पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूस। अब अगर ये वाली तस्वीर है, कौन सी वाली? ये वाली। इसका पैरामीटर मालूम करना है। इसका परपेंडिकुलर कितना है? 5। इसका बेस कितना है? 12। और इसका हाइपोटेन्यूस कितना है? नहीं पता। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसका हाइपोटेन्यूस मालूम करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूस कैसे मालूम करते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 5 का स्क्वायर। बेस कितना है इसमें? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इज इक्वल टू एच। दोनों को जमा करो, 169। इसका स्क्वायर यहां ले आओ, स्क्वायर रूट। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। तो अब पता चल गया आपको कि ये वाली चीज कितनी है? 13। अब इसका पैरामीटर कैसे मालूम करेंगे?
फाइव प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टीन, 30 हो गया। समझ में आ गई बात या नहीं? आसान है मुश्किल है? आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर और बेस तो आपको पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता और आपसे कहा जाए पैरामीटर निकालिए, तो पहले आपको उसका हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा और फिर उसका पैरामीटर निकलेगा। समझ में आ गई बात? ये उतारिएगा, यहां से उतारना पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तस्वीर बनाइए और फिर ये उतारिए और इसको उतारिए। अब जो बात हम पढ़ाने जा रहे हैं वो सिर्फ पांचवी क्लास के बच्चों को समझ में आएगी बस, बाकी बड़ी क्लास के बच्चों को समझ में आएगी। क्यों? इसलिए कि सबसे ज्यादा जहीन कौन होता है? छोटे बच्चे, सही है। और अगर पांचवी वालों को ना आए तो इसका मतलब है किसी को भी नहीं आ रहा। चलिए जनाब, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है। ये आपके पास सर्किल है, ये सर्किल का रेडियस है, ये इसका सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस तो मालूम करना आपको आता है, कौन सा फार्मूला लगाते हैं? 2πr, याद है? अब हम आपसे कह रहे हैं सर्कमफेरेंस मालूम नहीं करना है, बल्कि ये वाली जो लाइन है ना ये मालूम करनी है। इस लाइन को हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? ट्राइंगल, सॉरी सर्किल के अंदर आपको आर्क मालूम करना है कि ये कितनी लंबी है। आपके पास कोई स्केल नहीं होता, या तो वही है कि धागा रखें और उसको खोल के स्केल से नाप लें। लेकिन फार्मूले और मैथ के जरिए कैसे मालूम करेंगे? ये आर्क मालूम करना हम सीख रहे हैं अब, ठीक है? अच्छा, इस आर्क का ताल्लुक एंगल से है। आपको पता है अगर छोटा एंगल होगा तो छोटी आर्क होगी, बड़ा एंगल होगा तो बड़ी आर्क होगी। इसका मतलब है जो आर्क बन रही है इसका इन्हेसार एंगल पर है, इसका इन्हेसार एंगल ज्यादा होगा तो आर्क भी ज्यादा होगी, एंगल कम होगा तो आर्क भी कम होगी। समझ में आ गई? अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल 90 डिग्री का है, कितना है? 90 ये एंगल 90 डिग्री का है, तो आर्क कितनी होगी? आप बोलोगे सर आर्क जो है सर्कमफेरेंस का चौथा हिस्सा होगी। बोलोगे या नहीं बोलोगे? क्योंकि देखो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक और फिर यहां से, ये पूरा क्या बनता है? एक सर्कमफेरेंस। और आप अभी कहां तक गए? यहां तक, चौथे हिस्से थे, तो सर्कमफेरेंस का चौथा हिस्सा होगी 90 डिग्री पे। 180 डिग्री पे कितनी होगी? दूसरा हिस्सा आधा होगी सर्कमफेरेंस का, सही है? लेकिन हम दरअसल डिग्री से इस आर्क का ताल्लुक बनाना चाह रहे हैं। अगर आप अपना प्रकार एक सेंटीमीटर खोलें, कितना खोलें? सब लोग लाए प्रकार, निकालिए प्रकार अपना, पेंसिल फंसाइए उसमें और स्केल खोलिए, स्केल से एक सेंटीमीटर नापिए। जल्दी जल्दी, शाबाश।
पेंसिल फंसाइए और स्केल से 1 सेंटीमीटर नापिए। एक सेंटीमीटर स्केल से नापिए। पेंसिल तो फंसाओ इसमें लड़की, उंगली फंसा रही हो अपनी। इंच नहीं सेंटीमीटर, चलो इंच खोल लो, इंच आसान है, इंच खोल लो, इंच एक इंच खोलिए। ऐसे खोलना, देखो ये आपने प्रकार रखा, ये वाला इंच, इंच वाला हिस्सा ले लिया, ये वन पे रख के इसको ऐसे खोलिए। समझ में आ गया सबको? ऐसे खोल लीजिए एक इंच प्रकार और फिर रख के एक दायरा बना लीजिए बड़ा सा। अरे कहाँ फंस गया, दोबारा खोलना बाप, ये मैंने बंद कर दिया। एक इंच खोलना है, सेंटीमीटर में नहीं बेटा, इंच में। ये इंच है यहां से लेके, ये ऐसा होगा, इसमें ये कितना है पूरा एक। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाली लाइन कितनी होगी ये पूरी, तो इसका फार्मूला होता है 2πr। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 1। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 डिवाइडेड बाय 7, 7 × 42 पॉइंट तकरीबन 3। हमने ये बात सीखी कि अगर एक रेडियस हो एक, तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 6.3 होता है। समझ में आ रही बात आपको? अगर रेडियस एक खोल लिया जाए तो सर्कमफेरेंस कितना होता है? 6.3 या सिर्फ 2π होता है। आर तो वन लगा देंगे तो वन हो गया 2π। अब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, अगर किसी सर्किल का रेडियस 1 हो तो उसका सर्कमफेरेंस 2π होता है या 6.3 होता है। ये बात समझ में आ गई सबको? अगर किसी सर्किल का रेडियस 1 हो तो उसका सर्कमफेरेंस 2π होता है या 6.3 होता है। ये समझ में आ गई? लिख लो इसको एक जगह पे। अगर किसी सर्किल का रेडियस 1 हो तो उसका क्या सर्कमफेरेंस 2π या 6.3 होगा। ये बात समझ में आ गई?